केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथों पकड़े गए थे। दरअसल राहुल गांधी ने रविवार को फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वे इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। राहुल गांधी के इसी ट्वीट पर अब रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्वीट में लिखा, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी आरएसएस से नियंत्रित है। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथों पकड़े गए थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका, फेसबुक से आपका गठजोड़ पकड़ा गया। ऐसे लोग आज बेशर्मी से सवाल खड़े करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा, तथ्य यही है कि आज सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये अब आपके परिवार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता और इसीलिए आपको दुख होता है। खैर, आपने बेंगलुरु हिंसा की निंदा नहीं की, आपकी हिम्मत कहाँ चली गई? दरअसल ये पूरा विवाद अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट से शुरू हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया, बीजेपी के नेता टी राजा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए। मुसलमानों को देशद्रोही बताया था और मस्जिद गिराने की भी धमकी दी थी। इसका विरोध फेसबुक की कर्मचारी ने किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था। हालांकि कंपनी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। अब फेसबुक की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।